हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय प्रताप शुक्ला फ्रॉम यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म इन सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और बेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर, और इनका जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमेना होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज आइसोमर? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। और बेटा जो ये प्रोसेस होता है और जो ये फिनोमेना होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके तो बेटा इसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब बेटा आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure are called isomer and this phenomenon is known as isomerism. Okay बेटा, there are two types of isomer या आइसोमेरिज्म। बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। there are two types of isomerism। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा आइसोमेरिज्म? टू टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कितने टाइप्स के होंगे बेटा? टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लास 11th में बेटा हम फोर टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्सेस के टू टाइप्स और होते हैं, ठीक है। ओके, देयर आर इसमें कितने हैं? फोर टाइप्स के हैं। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें बेटा? ओके, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, या बेटा इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ओके, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। और बेटा सेकेंड टाइप होगा इसका पोजिशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज में सेकेंड टाइप जो होगा इसमें पोजीशन आइसोमेरिज होगा। एंड थर्ड इज बेटा यहां पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज होगा। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड इज मेटामेरिज्म। ओके स्टूडेंट, there are four types of structural isomerism. first is
चेन आइसोमेरिज आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज में, सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज में, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में, एंड लास्ट इज मेटामेरिज में। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज की बात करें बेटा, इसको हमें स्टीरियो आइसोमेरिज में ज्योमेट्रिकल के बारे में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर इट मींस हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे, और जो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज होगा 12th स्टैंडर्ड में इसको डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे बेटा फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होगा बेटा, कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होगा। ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और लास्ट ये जो इसमें सेकेंड टाइप बनता है बेटा वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज, कौन सा आइसोमेरिज होगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, दैट क्लियर। ओके, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको हम, व्हाट इज आइसोमेरिज, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम हो जाए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, और जो फिनोमेना होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आइसोमेरिज कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज में, न्यूक्लियर आइसोमेरिज में, सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में, एंड लास्ट इज मेटामेरिज। ओके, लास्ट इज मेटामेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज, इसमें बेटा वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। चेन आइसोमेरिज मार न्यूक्लियर आइसोमेरिज, व्हाट इज चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज, चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज, तो बेटा इसमें क्या हो जाता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द स्केलेटन ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, बट द स्केलेटन ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन बेटा उसका कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी कार्बन के चेन में जो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड होते हैं वो बैरी कर जाता है, इसीलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज कहते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लेंगे चेन आइसोमेरिज के एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो पेंटेन, 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 पेंटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C5H12। ओके, C5H12। अब पेंटेन को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन की चेन में जो कार्बन की पोजीशन होती है उसको हम चेंज करके, तो इसमें फर्स्ट जो बनेगा एक स्टेट चेन बन जाता है, इसमें CH3 CH2 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 CH3। ओके, इसको बेटा कहेंगे यहां पर यन पेंटेन, क्या कहेंगे बेटा, यन पेंटेन। ओके, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें कितने हैं, 5 हैं, 5 कार्बन आइटम्स के लिए जो वर्ड रूट हम ऐड करते हैं, पेंट यूज करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, पेंटेन। और एक वर्ड आप यहां पे ऐड कर सकते हो, यन पेंटेन, क्या ऐड कर सकते हो बेटा, यन पेंटेन आप ऐड कर सकते हो। ओके, दूसरा इसमें क्या बन सकता है, दूसरा आइसोमर इसका बनाएं तो क्या बनेगा, CH3। सेकेंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, CH3 CH CH2 CH3। ओके, यहां पे बेटा कार जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है सेकेंड पोजीशन है, तो ओवरऑल आप इसको अगर जनरल टर्म में या कॉमन टर्म में इसको यूज करेंगे तो आइसो पेंटेन हम कह सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसको, आइसो पेंटेन। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, आइसो पेंटेन है, ठीक। एक और इसमें ऐड कर सकते हैं नियोपेंटेन, जब यहां पे मेथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ जाता है कार्बन पे तो हम उसको आइसो के नाम से जानते हैं। ओके, अगर नियो के केस की बात करें बेटा तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें भी कितने हैं, 5 हैं, फर्स्ट वाले में 5 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 5 हैं। अगर हम नियोपेंटेन के बारे में डिस्कस करें तो नियोपेंटेन में भी यहां पे देखोगे 1 कार्बन से CH3 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 CH3,
आप अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सब सिमिलर होगा इसमें, बट देखने को अंतर क्या मिलेगा इसमें, कार्बन के पोजीशन में यानी इसके स्केल्टन में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। तो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। जब एक कार्बन से चार चार कार्बन ऐड हो जाते हैं बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नियो, जनरल टर्म में यूज करते हैं नियो पेंटेन। वैसे ही इन सभी कंपाउंड का आयु पैक नेम क्या डिफरेंट होता है, अगर फर्स्ट फर्स्ट की बात करें तो ये पेंटेन है, यन पेंटेन। यन का यन कहाँ पे यूज करते हैं, नॉर्मल चेन के लिए। जब कार्बन की चेन स्टेट फॉर्म में होती है तो वहां पर हम यन यूज करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यन पेंटेन है ना। यहां पर सेकेंड नंबर पर देखो आइसो पेंटेन है, नंबरिंग करेंगे यहां पर कार्बन की नंबरिंग की जाएगी, तो द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट इन वेयर द फंक्शनल ग्रुप आर सब्सिटीमेंट आर नियरेस्ट। जहां पर फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्सिटीमेंट नियरेस्ट होता है उस एंड से यानी उस टर्मिनल से हम नंबरिंग को डन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखोगे सेकेंड नंबर से आप करोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से आप नंबरिंग को डन करोगे, 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पर क्या है बेटा, सेकेंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण द आयु पैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-methyl-2-methyl-butane। फोर कार्बन के लिए जो पैरेंट चेन इसमें बनी है, फोर कार्बन की बनी है बेटा, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जो ऐड किया जाएगा, एन ऐड किया जाएगा, तो द आयु पैक नेम ऑफ आइसो पेंटेन इज 2-methyl-butane, 2-methyl-butane। ओके, लास्ट इसमें आइसोमर देख लेते हैं, नियोपेंटेन है तो आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे, कार्बन की 3 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन इसमें पॉसिबल नहीं है नियोपेंटेन में। यहां पे चाहे लेफ्ट से करो, चाहे राइट से करो, चाहे टॉप से करो, चाहे बॉटम से करोगे, तो जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो 3 कार्बन की ही बनेगी। दैट क्लियर? ओके, 1 2 3, 1-methyl group 2-methyl group, सेम नंबर पर सेम सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट होने के कारण हम इसकी जब नेमिंग करेंगे तो पहले फर्स्ट मेथाइल के ग्रुप के लिए 2 लिखेंगे, सेकंड मेथाइल ग्रुप के लिए 2 लिखेंगे, 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण बेटा डाई ऐड करेंगे, और CH3 के लिए हम ऐड करेंगे मेथाइल, तो 2-2 डाई मेथाइल, और 3 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखेंगे, प्रोपेन राइट करेंगे, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, तो यहां पे चेन आइसोमेरिज बेटा कार्बन के चेन में यानी उसके स्केल्टन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट आइसोमेरिज है बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज। कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर सब्सिट्यूएंट आर डिफरेंट, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर सब्सिट्यूएंट आर डिफरेंट। जिसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप या जो साइड में ब्रांचिंग जब होती है तो जो बच जाता है उसको सब्सिट्यूएंट कहा जाता है, तो सब्सिट्यूएंट की पोजीशन क्या होती है कंपाउंड में, डिफरेंट होती है, तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज कहते हैं। देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल जो होगा बेटा इसमें सेकंड में कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज में, कौन सा है बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज में, ये इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज का, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप या सब्सिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, तो इसमें देखेंगे बेटा पेंटेन के बारे में बात करें, पेंटेन नहीं, पेंटीन का एग्जांपल लेंगे, तो पेंटीन का फॉर्मूला होगा बेटा यहां पे C5H10, कार्बन का डबल इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ एल्कीन कार्बन का डबल हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पे बेटा पेंटेन के बारे में अगर इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें, CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा बेटा, पेंट वन इन, ठीक है। यहां पर
सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इसके केस में होगा बेटा पेंट टू इन। तो यहां पे देख सकते हो ना डबल बॉन्ड है ना, ये भी क्या है एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हमने डबल बॉन्ड का एग्जांपल सेलेक्ट किया है पेंटीन में, पेंटीन में एक पेंटीन में वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड में बेटा सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है डिफरेंट है, जब पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंजेज आ जाए तब बेटा उसे हम क्या कहते हैं पोजीशन आइसोमर कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है जो फिनामिना होता है आइसोमर बनने का उसको हम क्या कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप जो हो डिफरेंट हो, इस तरह के आइसोमर को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल अगर इसमें लें बेटा तो सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, और यहां पर दूसरा एग्जांपल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। आप ध्यान से देखो तो यहां पे ईथर है, एक क्या है ईथर, ऑक्सीजन के बोथ साइड अगर कोई भी कार्बन लगा होता है तो वहां पर वो ईथर होता है, लेकिन यहां पे दूसरा जो है बेटा आपका ये एल्कोहल है। ईथर में कौन सा ईथर है बेटा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन। और यहां पे बेटा क्या होगा इथेनॉल, इथेनॉल इथेन है, ए को रिमूव करोगे ओएच के लिए जो सफिक्स ऐड होता है वो ऑल ऐड होता है, ओएच के लिए जो सफिक्स ऐड होता है बेटा वो क्या ऐड होता है ऑल ऐड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इथेनॉल कहेंगे ठीक है। तो फर्स्ट है मेथॉक्सी मीथेन, सेकेंड है इथेनॉल, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में ईथर है दूसरा बेटा आपका एल्कोहल होता है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें एक है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म को भी देख लेते हैं क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे सेम होंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप बट द एडिशन ऑफ कार्बन चेन एट द सेम फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। सेम फंक्शनल ग्रुप पर जो कार्बन चेन होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें एग्जाम्पल अगर इसमें मेटामेरिज्म के लिए सिलेक्ट करें बेटा, ये मेटामेरिज्म के लिए एग्जाम्पल यहां पे नोट कर रहे हैं, मेटामेरिज्म के लिए जो आप ऐड करोगे तो यहां पे ऐसे देखोगे इसमें ऐसे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, ऐसे यहां पे दूसरा चेंज कर सकते हो सी एच थ्री, यहां पे एग्जांपल रॉन्ग हो रहा है दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहां पे ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा बन सकता है इसमें बेटा सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री। अब देखो यहां पे ईथर दोनों में है, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन जो कार्बन की चेन है वो कार्बन की चेन दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप की क्या है डिफरेंट है। तो यहां पे बेटा देख रहे हो एथिल है, यहां पे मेथिल है, यहां पे तीन कार्बन है, यहां पे वन कार्बन है, यहां पे टू कार्बन, यहां पर टू कार्बन ठीक है बेटा। तो यहां पर नेम क्या हो जाएगा इसका इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा ओके, इथॉक्सी इथेन। और यहां पर बेटा क्या होगा मिथॉक्सी 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 प्रोपेन ओके, मिथॉक्सी प्रोपेन ठीक है। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है बट बेटा एटम का जो 3D में जो ओरिएंटेशन होता है
एक ही पोजीशन पर अलग अलग होता है, मतलब यहां पे कोई पोजीशन नहीं बदलने वाली है, एटम का ही 3D में ओरिएंटेशन जो स्पैटियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहां पे अगर देखोगे एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, जैसे यहां पे लगा है CH कुछ इस तरह से ऐसे, इसका एग्जांपल जैसे यहां पे C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड जो बनाए हम एक ही पोजीशन पे इसके ओरिएंटेशन को 3D में जो स्पैटियल अरेंजमेंट होगा हम इसके चेंज कर देंगे। स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब ही देखो, H को यहां पे कर दो 3D स्पेस में और CH3 को नीचे कर दो, देख रहे हो क्या एटम की पोजीशन बदली, एटम की पोजीशन नहीं बदली, एटम का ओरिएंटेशन बदला। तो इस तरह के बेटा आइसोमर को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, और फेनोमेना जो प्रोसेस होता है इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके जो टाइप्स होंगे इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एंड जो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्लास 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।